अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। ना सूजी, ना बेसन, ना ही दाल, सिर्फ एक कप दूध और थोड़े से घी में मुंह में घुल जाने वाली ये मिठाई जो बाज़ारों में हज़ारों रुपए मिलती है, आप घर में कम खर्च और कम मेहनत में बना सकते हैं, वो भी ढेर सारी। जब घर में इतनी आसानी से ये मज़ेदार मिठाई बन सकती है तो फिर बाज़ार की क्यों लें। घर में किस तरीके से बनेगी ये मज़ेदार मिठाई, इसके लिए रेसिपी देखें। रेसिपी पसंद आती है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना है। स्टार्ट करेंगे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस रेसिपी के लिए हमें चाहिए होंगे कच्चे चावल, ठीक है, और ये चावल आपने बासमती लेने हैं या फिर टोटा लेने हैं। सेला चावल आपने नहीं लेने, बाकी कोई से भी चावल आप यूज़ कर सकते हैं। मैं मेजरिंग कप का यूज़ कर रही हूँ, अगर आपके पास ये चाय वाला कप है आप इसकी भी मेजरमेंट कर सकते हैं। सिर्फ एक कप हमें चाहिए होंगे चावल। अब देखें, चावलों में काफ़ी सारी मिट्टी भी होती है, केमिकल लगा हुआ होता है, तो हमने चावलों को यहाँ पर साफ़ कर लेना है। तो यहाँ पर मैं पानी में चावल डाल के इसको अच्छा सा हमने धो लेना है, जितना भी कचरा होगा मिट्टी होगी वो निकल कर आ जाएगी। अभी मैं क्या करूंगी, ये पानी गिरा दूंगी, दो से तीन मर्तबा चावलों को धो लूंगी। तो यहाँ पे देखें, चावल हमारे पास धुलकर आ गए हैं और ये देखें बड़े अच्छे निखरे निखरे से हो गए हैं। मैंने इनको छन्नी में डाला है ताकि इसका एक्सेस पानी निकल जाए। और इसके बाद हम क्या करेंगे, कोई भी साफ़ सुथरा अपने कपड़ा लेना है, ट्रे लेना है, और इसके ऊपर ये जो चावल हैं आपने फैला लेने हैं, ठीक है, जितना मुमकिन हो सके इसको फैला लें ताकि काम आपका आसान हो जाए। और इसके बाद हमने क्या करना है, इसको पंखे के नीचे रख दें तकरीबन 15 मिनट के लिए, ये अच्छे ड्राई हो जाएंगे। ज़्यादा टाइम ही लेते हैं, 10 से 15 मिनट में बेहतरीन ड्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखें, मैंने कपड़ा चेंज कर लिया था ताकि काम जल्दी हो जाए, तो 10 मिनट में ही ये बेहतरीन ड्राई हो चुके हैं, धूप में रखने की ज़रूरत नहीं है, ये पंखे में ही अच्छे ड्राई हो जाते हैं। अब यहाँ पे जो है चावल, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये इस तरह से साफ़ सुथरे चावल हमारे पास आ गए हैं। बस यही पॉइंट है जिसमें थोड़ी सी आपने मेहनत करनी है, बाकी का काम बहुत आसान है। तो यहाँ पे जी चावल हमारे धुल के साफ़ सुथरे हो चुके हैं। अब हमें चाहिए होगा एक अदद पैन, और पैन में हम डालेंगे घी, चाहें तो देसी घी डालें, चाहें तो बनस्पति घी भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास मौजूद हो। 3 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे और इसको पिघलने देते हैं। और इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो चावल हमने धो के रखे थे, ड्राई किए हैं, ये मैं आधे डालूंगी, क्योंकि घी हमारे पास कम है ना, तो हम चाहते हैं कि कम घी में हमारा काम हो जाए, तो इस वजह से चावल कम डालेंगे। और बिल्कुल हल्की आँच पर हमने इन चावलों को करना है फ्राई, और इन पर हल्का सा लाइट गोल्डन कलर आने देते हैं। तो ये देखें, ये कलर आने तक हमने इसको फ्राई करना है, इससे ज़्यादा हम कलर नहीं देंगे, वरना क्या होगा कि जो हम हलवा बनाएंगे ना इसमें कड़वाहट आ जाएगी, जो हमें नहीं चाहिए। अब ये चावल हम यहाँ से निकाल लेंगे और बाकी के जो चावल हैं इनको भी हम इसी तरीके से करेंगे फ्राई। ये देखें, 1 से 2 मिनट में ही ये हल्की आंच पे बेहतरीन सा इन पर कलर आ जाएगा। ये देखें, ये कलर आ गया है, बस इनको भी हम निकाल लेंगे। ये चावलों को हमने छन्नी में निकालना है ताकि इनका जो एक्सेस घी है, ऑयल है, वो निकल जाए। ये देखें, इस तरह से इसका एक्सेस घी निकाल लेंगे, बस इतने से घी की हमें ज़रूरत है। यहाँ पे इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं चावलों को। और घी देखें, हमने 3 टेबलस्पून यूज़ किया था, तो इसमें से भी ये काफ़ी सारा घी बचा है, तो ये बस इतने से घी में ही मज़ेदार मिठाई बनती है। अब हम क्या करेंगे, ये देखें, ये जो चावल हमने ठंडे होने के लिए रख दिए थे, ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पर आ गए हैं, और इसमें से जितना भी घी था वो भी छन्नी में से निकल चुका है। अब हमें ग्राइंड चाहिए होगा। देखिए, मेरे पास ग्राइंडर छोटा है ना, तो मैं दो हिस्सों में ग्राइंड करूंगी, जितने आ सकते हैं फिलहाल मैं इसमें उतने डालूंगी। और 1 टेबलस्पून मैं इसमें डालूंगी मिल्क पाउडर, किसी भी ब्रांड का आप डाल सकते हैं। इसके अलावा 5 अदद मैं इसमें डालूंगी बादाम, अगर बादाम मिल्क पाउडर ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है। और यहाँ पे चावलों को बहुत अच्छा ग्राइंड कर लेंगे और बिल्कुल बारीक हम इसको पीस लेंगे। जो बाकी के चावल हैं वो भी हम ग्राइंडर में डाल देंगे। और इसमें तकरीबन 4 टेबलस्पून मैं तेल डाल रही हूँ, ये भी ऑप्शनल है, मेरे पास अभी रखे हुए थे तो मैं डाल रही हूँ, अगर आपके पास ना हो तो आप स्किप कर सकते हैं, कोई मसले वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके अलावा मैं इसमें डालूंगी इलायची तकरीबन 7 से 8 अदद, और इसको भी हमने ग्राइंड कर लेना है और
पाउडर बना लेना है। तो यहाँ पे देखें जी, ये सारा हमारे पास चावलों का पाउडर तैयार होकर आ गया है। ये बिल्कुल ऐसा तैयार होगा जैसे सूजी होती है ना, बिल्कुल वैसा ही होगा। जितना मुमकिन हो सके आपने इसको बारीक पीसना है, काम आपका फिर आगे आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे कुछ काम हम करके रख देते हैं ताकि हमारे लिए आगे आसानी हो। जिस भी चीज़ में आपने हलवा सेट करना है वो ट्रे ले लेना है, और उसके बाद इसको आप ऑयल से, बटर से या फिर घी से ग्रीस कर लें और इसके ऊपर बटर पेपर लगा लें इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद जो है इसको भी थोड़ा सा हम ग्रीस कर लेते हैं ताकि इसमें से जो हम हलवा जब सेट करें तो इसमें से आराम से निकल आए, ठीक है। इसको भी हम ग्रीस करेंगे। बस यहाँ पे ये काम हम पहले से करके रखेंगे ताकि हमारा काम आगे आसान हो जाए। इसको साइड पे रखेंगे। दोबारा से वही पैन लिया है जिसमें हमने चावल फ्राई किए थे, इसमें मैं एक कप चीनी डाल रही हूँ। वैसे तो इस मीठे के लिए एक कप चीनी काफ़ी है, अगर आप ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा डाल सकते हैं। और चीनी को हल्की आँच पे कैरमलाइज कर लेंगे। अगर आपको कैरमलाइज जो चीनी है उसका टेस्ट पसंद नहीं है तो आप एक कप दूध इस पॉइंट पे डाल के चीनी घुल जाने तक पका लें, ठीक है। लेकिन हम चीनी को यहाँ पर कैरमलाइज करेंगे। देखें ये हल्का सा कलर आ गया है और अब हम इसमें डाल देंगे दूध। अब देखें इस पॉइंट पे चीनी इकट्ठी हो जाएगी, सख्त हो जाएगी, आपने परेशान नहीं होना है। आंच हल्की ही रखी हुई है और हल्की आंच पे जो है इसको छोड़ दें। थोड़ी देर के बाद ये चीनी घुल जाएगी और ये इस तरह की हो जाएगी। बस हल्की आँच पर आप छोड़ देंगे तो चीनी खुद ही घुल जाएगी, इतनी परेशानी वाली बात नहीं है। और उसके बाद ये जो हमने चावलों का पाउडर तैयार किया था ये हम डाल देंगे। आँच मैंने अभी भी हल्की ही रखी हुई है और हल्की ही रखनी है क्योंकि हमने इस हलवे को हल्की आँच पे पकाना है। चावल कच्चे हैं तो चावलों को पकाना है, तो बस आँच को हल्का ही रखेंगे। इसको मिक्स करेंगे ताकि इसमें गुठलियाँ ना बने। अब हम इसमें डाल देंगे किशमिश। तकरीबन 2 टेबल स्पून मैं किशमिश डाल रही हूँ। अगर आप इसमें ड्राई फ्रूट्स डालना चाहते हैं, बादाम पिस्ते कटे हुए, तो आप इस पॉइंट पे डाल सकते हैं। अब हल्की आंच पे हम इसको तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाएंगे इसी शीरे में और इसी दूध में ये चावल बेहतरीन गल जाएंगे। तो आपने जल्दबाजी नहीं करनी है, आँच को हल्का ही रखने दें और ये जो पानी है इसको ड्राई होने तक हमने पकाना है। तो बस इसको छोड़ देते हैं। अब देखें इसको पकते हुए 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसमें गाढ़ापन आना स्टार्ट हो गया। आंच आपने अभी भी तेज़ नहीं करनी है, बस इसी आंच पे आप इसको भूनें जब तक ये हलवा पैन नहीं छोड़ देता और साइडों से आपको ऑयल नज़र आना स्टार्ट नहीं हो जाता। बस इसको अच्छा सा हमने भूनना है। यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मिनट लगेंगे और ये शक्ल आने तक आपने भूनना है। अब देखें चावल भी गल चुके हैं और हलवे ने बिल्कुल पैन छोड़ दिया है और इसको अब मिक्स करना भी मुश्किल हो गया है। ये देखें ये बिल्कुल सूजी जैसे सूजी का हलवा होता है, बिल्कुल उसी शक्ल में ये आ जाएगा, तो इसका मतलब है आपका हलवा तैयार है। दूसरी तरफ ये जो ट्रे हमने तैयार करके रखा था इसमें ये हलवा हम डाल देंगे। आप चाहें तो इसको इस तरीके से भी खा सकते हैं, लेकिन हम इसको जमाएंगे जैसे बर्फ़ी होती है उस तरीके से इसको जमाएंगे ताकि हम इसको फ्रीज़ भी कर सकें, ठीक है। तो बस इस तरह से सारा हलवा डालने के बाद इसको बराबर हर तरफ से सेट कर लेंगे और ऊपर से जो भी आपने सजावट करनी है, जो भी बादाम पिस्ते डालने हैं वो डाल सकते हैं। मेरे पास कटे हुए बादाम हैं तो मैं कटे हुए बादाम डालूंगी। थोड़ा सा मेरे पास पिसा हुआ खोपरा है तो मैं ये डाल दूंगी। इसको थोड़ा सा दबा दें ताकि इसके साथ जो है ये बादाम और ये सारी चीज़ें चिपक जाएं। और इसको बस उठा के मैं 10 से 12 मिनट के लिए पंखे के नीचे रख देती हूँ ताकि ये ठंडा हो जाए, सेट हो जाए। तो यहाँ पे देखें जी, अब ये रूम टेम्परेचर पर आ गया है, ठंडा भी हो चुका है और यहाँ पे बेहतरीन सा सेट भी हो चुका है। और अब आप जैसे चाहें इसको काट सकते हैं। ये ऐसी मिठाई है कि जो भी खाएगा ना वो आपसे पूछेगा ज़रूर कि ये किस चीज़ से बनी हुई है। कुछ लोग कहेंगे कि आपने बेसन से बनाई है, कुछ लोग कहेंगे कि आपने इसको दाल से बनाया है, सूजी से बनाया है, लेकिन ये कोई नहीं कहेगा कि ये चावल से बनी हुई है। मुंह में जाते ही घुल जाती है, इतनी मज़ेदार ये मिठाई बनती है और वो भी इतने कम दूध और इतने कम घी में। तो ये मज़ेदार मिठाई इस बारिश के मौसम में अगर आपका भी खाने का दिल है तो आप ये मिठाई आज ही बनाएं। ये देखें कितनी मज़ेदार है, कहीं से लग रहा है कि ये चावल से बनी हुई है। और मैं आपको तोड़ के दिखा देती हूँ। ये देखें मुंह में जाते ही ये मिठाई घुल जाएगी। इसको चाहें तो आप काफ़ी सारी बना के किसी भी एयरटाइट बॉक्स में डाल के आप किचन में किसी भी जगह पे रखें और महीना दो महीना तो आप आराम से इसको चला सकते हैं। तो बनाइएगा ज़रूर, मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी बनी।